भाई लोग जो यहाँ पे ये बैठे, और ये भाई आपका नाम क्या भाई? अर्श। चलो बढ़िया। अर्श भाई घर नहीं गए आप? कहाँ, यहीं पे रहते हो? हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होगे, बढ़िया रहना। सो दोस्तों, बज रहे अभी सुबह के 5:30 और मैं हो गया था फुल रेडी कॉलेज जाने के लिए, क्योंकि ना आज सुबह, आज से तो हमारे कॉलेज स्टार्ट वगैरह स्टार्ट हो चुकी है। तो कोई ना, चलो चलते हैं और सीधा चलते हैं बस स्टैंड, क्योंकि आज मुंबई से आने के बाद ना मेरा फर्स्ट डे है, तब देखते हैं क्या है क्या नहीं। तो गाइस, फाइनली पहुंच चुके हैं राजकोट और आज फर्स्ट डे है कॉलेज का यार, दिवाली के बाद। और यार कल के लिए इतना बुरा लग रहा है कि यार अपनी इंडिया की टीम जो है कल हार गई है, बट कोई ना यार, हार जीत चलते रहता है, लेकिन हमारे लिए एक बेस्ट मोमेंट है जो कि हमारी इंडिया जो है फाइनल तक पहुंच गई है ना, फाइनल तक पहुंच गई है, वही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। बाकी हार जीत चलते रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और आज मैं, आज ना यार देखो यार, कोई था नहीं हमारे साथ, है ना, हमारे साथ गौतम भाई एक ही थे जो कि हमारे साथ रोज ट्रैवल करते हैं। आज ये मिल गए तो यार अपना काम हो गया, नहीं तो आज वैसे भी अकेले आना था, बट कोई ना, चलो चलते हैं कॉलेज। मैं फाइनली पहुंच गए कॉलेज के पास। हम थोड़ी देर रुके हुए थे क्योंकि ना मतलब जो हमारे आने वाले जो भाई लोग थे, जो भाई हमारे आते हैं, उनकी रात देख के हम ना ऐसे ही रुक गए थे। और सारे के सारे यहाँ पे जो है बात कर रहे कल के मैच की, है ना। कोई ना, चलो यार लेक्चर वगैरह अटेंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपको सीधा ब्रेक में। तो गाइस, क्लास में तो आ गए थे और ये दो भाई हमारे, पाविक भाई और विशाल, आज तो इतना लेट क्यों आ गए? आज 8 बजे बोला था तुम, 9:30 आ रहे हो क्लास में, हैं? लेट हो गया मित्र। हाँ विशाल भाई, 8:30 बजे का बोल रहे थे, 8 बजे का बोल रहे थे, और कितने बजे आ रही है? 9:45। इनका डेली का हो चुका है, वो मतलब लेट ही आते रहते हैं। और अभी भी क्लास में आके क्या कर रहे हो आप? गेम पढ़ाई। पढ़ाई नहीं हो रही है, क्या हो रही है? पढ़ाई हो रही है। हालांकि लेक्चर वगैरह स्टार्ट हुआ नहीं है हमारा, तो इसीलिए गेम वगैरह चल रही है। बाकी अभी फैकल्टी आ जाएंगे तो सब बंद हो जाएगा एक ही साथ, बाकी ये बैठे बैठे गेम खेल रहे। चश्मा लगाओ ना सर। क्या यार, आपका चश्मा, ये भाई साहब ये चश्मा एकदम खतरनाक, ये चश्मा, वो भाविक भाई का तो रेड है, लेकिन ये वाला जो है वो ब्लैक में है, दिखता तो ये भी मस्त है। आप ब्लैक टाइगर हो ना, ब्लैक आपको ज्यादा सूट करता है कि नहीं मेरे पे? ब्लैक टाइगर पे ब्लैक चश्मा, ब्लैक टाइगर पे ब्लैक चश्मा सूट कर रहा है यार, क्या ही बताए। तो कोई ना, हमारे तो यार इन लोग ना बैठे बैठे भी फ्री फायर खेल रहे, और बाकी कुछ हमारे भाई लोग जो यहाँ पे ये बैठे। और ये भाई आपका नाम क्या भाई? अर्श। चलो बढ़िया। अर्श भाई घर नहीं गए आप? कहाँ, यहीं पे रहते हो? यहीं पे रहते हो ना? अरे यार क्या बात है। अरे ये दोनों हमारे समझते नहीं है, लेक्चर में देखो बैठे बैठे गेम खेल रहे। तुम्हारी बारी पढ़ाई हो रही है, देख रहे हो गाइस ये पढ़ाई में भी लोग क्या क्या कर रहे हैं। और क्या और तेरी तो टोटल गेमिंग का फेस रिवील हो गया है? हाँ टोटल गेमिंग, नहीं मैं वो नहीं हूँ, नहीं उसका उसका फेस रिवील हो गया उसका। अज्जू भाई 94। और चालू क्लास में देखो दे जनाजन खेल रहे हैं। और कोई ना, अभी हम थोड़ी देर बैठेंगे फिर चले जाएंगे, क्योंकि आज का लेक्चर तो है नहीं, तो सोच रहे घर चले जाएंगे। और भाई भाई को भी कुछ कहा, आपको कुछ काम था, कवर वगैरह लेना था? कवर yes, yes. क्या यस यस कहा, तुम भी कहा फॉरेनर बन रहे हो? yes, देख रहे भाई साहब इनका ये कारनामा। तो गाइस फाइनली हम जा रहे हैं घर, क्योंकि लेक्चर वगैरह है नहीं। और हमारे एक भाई बोल रहे थे कि उसको ना बंक मारना बोलते, लेक्चर नहीं होता हम घर चले जाते तो उसको बंक थोड़ी बोलते, उसे बंक कहते हैं। क्या बोलते हैं? घर जाना। तो एक कमेंट आई थी भाई की, बोल रहा है कि मतलब वो भाई बोल रहे थे कि अगर आप घर पे जा रहे हो ना तो उसको ये बोलते हैं बंक मारना, उसको बंक मारना थोड़ी ना बोलते। नहीं लेक्चर नहीं होता तो आप वहीं पर वहीं के बैठे रहते हो क्या, घर नहीं पहुँचते? वही तो बात है, लेकिन वो समझ नहीं, मतलब मैं समझ नहीं रहा क्या कर सकता हूँ।
आप थोड़ा नीचे रहो ना, आप मेरे से बहुत बड़े हो, आप दो स्टेप नीचे उतर जाओ। मैं दो स्टेप नीचे रहता हूँ ना पहले। कोई ना, अभी यार चाय पीने का मन हो रहा है तो जाएंगे और चाय पीएंगे मस्त, फिर चलते बस स्टैंड। अब हम पहुंच गए चाय पीने के लिए। ये दोनों कहाँ है, दिख ही नहीं रहे, कहाँ इन्होंने गाड़ी लगाई है। चलो चलते हैं मस्त चाय पीते हैं, फिर निकलते आराम से घर के लिए। मिल गए हमारे दोनों के दोनों भाई। अब बता ऑर्डर दिया कि नहीं? दिया दिया। विशाल भाई देखो हमारे ऑर्डर देने जा रहे आराम से। ओए तीन आप ले लियो, तीन आप हाफ ले लियो, आप तीन आप। हाँ मस्त ऑर्डर ऑर्डर देने के लिए सही है विशाल भाई, ऑर्डर देने के लिए सही है। सही है। विशाल भाई गए हमारे ऑर्डर देने के लिए, हालांकि वो आज आप पिलर आपकी हमारी तरफ से क्या बात क्योंकि है आज कॉलेज का पहला दिन और कोई आया नहीं था। हाँ। मैं खुश हूँ। सही बात है, एकदम बढ़िया। तो हमारे विशाल भाई जो हमें चाय की पार्टी दे रहे हैं, वैसे ही पीनी थी तो आ गए। फाइनली हमें जो है बस मिल गई है चोटीला जाने के लिए, हमारे घर पे जाने के लिए। और आज कॉलेज वगैरह भी दो लेक्चर थे बाकी नहीं था, तो इसलिए मैं सोचा कि चलो घर चले जाते। तो कहना चलो चलते हैं घर, मिलते आपको सीधा घर पे। गाइस मैं आ गया था टेरिस पे, बज रहे अभी रात के 10 और आपको पता ही है मैं एक्सपोर्टिंग करने के लिए और एडिटिंग वगैरह करने के लिए मैं यहीं पे आता हूँ। और बाकी आप देख सकते हैं आगे की तरफ। और कोई ना, आज के लिए इतना ही। होप तो करते कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं मेरे दर व्लॉग के साथ, टिल देन बाय बाय, बी सेफ, टेक केयर, गुड नाइट।